हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान हिंदी ज्ञान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दो या तीन दिन में मैं आपके लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ लाकर आऊंगी इस चैनल पे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और किस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर्स देना है और आप किस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो माय बेसिक एम इज टू गाइड यू हाउ टू फेच द गुड मार्क्स एंड व्हिच एरिया यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस। सो जैसा यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 12th स्टैंडर्ड के, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के। तो ये हिंदी क्वेश्चन पेपर आपका 90 मार्क्स का आता है और ड्यूरेशन रहता है 3 आवर्स। सो पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पूरा चूज द करेक्ट आंसर टाइप आता है। तो ये टोटल 14 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए मतलब यू हैव टू चूज द राइट आंसर। सो दिस 14 मार्क्स आर श्योर शॉट मार्क्स यू कैन फिच। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? सो तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी। जैसे मैंने पहले ही जब से वीडियो मैंने डाला है तब से मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि राइटर पोएट इनका जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, लाइक इन एवरी वीडियो आल्सो बिफोर डूइंग द समरी आई हैड स्टार्टेड लाइक पोएम, बिफोर डिस्क्राइबिंग अबाउट पोएम और प्रोज इन एवरी टॉपिक आई डिस्क्राइब फर्स्ट अबाउट द राइटर्स डिटेल्स, व्हाट इफ द इम्पोर्टेंट बुक ही हैड अटेंड एंड व्हिच ईयर ही बर्न एंड व्हिच ईयर ही डाइज एंड व्हाट आर द like their education, their parents, everything I have discussed and when where they born. So जैसा मैंने आपको पहले से ही आगाह किया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आपको समझ में आया, क्योंकि आपका ये जो पहला 14 मार्क्स आता है इसमें, इस 14 मार्क्स के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो कलावती, हुलसी, प्रभावती, ये हुलसी था। हुलसी इज द करेक्ट आंसर। ये पहला पोएम है, फर्स्ट पोएम। फर्स्ट पोएम में पोएट के बारे में जहाँ लिखा है, तुलसीदास जी के बारे में, उनके जन्म मृत्यु, उनके द्वारा लिखे गए बहुत अच्छे किताबें और सारी माता पिता के नाम, कहाँ वो पैदा हुए, सब कुछ लिखा था। तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये आंसर हुआ हुलसी। पार्वती मंगल पुस्तक की रचना किसने किया था? गजानन माधव, तुलसीदास या फिर कबीरदास? तो आंसर है तुलसीदास। देन थर्ड क्वेश्चन इज, महाराज मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे? महाराज मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे? आपको यह इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो कौन थे, देखिए ऑप्शंस क्या है, महादेवी, भारतेंदु, बृंद। तो महाराज मानसिंह के दरबारी कवि बृंद थे। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने कौन सी कविता लिखी थी, लिखी है? श्री राम की छटा, श्री कृष्ण की छटा, श्री विष्णु की छटा। तो ये श्री कृष्ण की छटा आंसर। बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर, नागपुर, कानपुर। तो ये ग्वालियर आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, काशी, प्रयाग। सो काशी इज द करेक्ट ऑप्शन।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या नाम था? शिवचंद्र, हरिश्चंद्र, गोपालचंद्र। तो ये गोपालचंद्र करेक्ट आंसर। टॉल्स्टॉय फार्म के लेखक का क्या नाम है? राहुल गांधी, महात्मा गांधी, रवि गांधी। तो करेक्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। कला का विवेचन के लेखक कौन है? राम सुंदर दास, शिव सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंसर इज योर उत्तर प्रदेश। रीढ़ की हड्डी के लेखक कौन है? शिव चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, हरिश्चंद्र माथुर। तो आंसर इज जगदीश चंद्र माथुर। श्रृंगार रस का स्थाई भाव है डैश। क्या है इसका स्थाई भाव? श्रृंगार रस का क्रोध, रति, शोक, रति। सो श्रृंगार रस का स्थाई भाव आपका रति है। संधि के प्रकार है डैश। सो संधि के कितने प्रकार है? तीन प्रकार है, तीन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्र और पूज्य कौन है? तो कौन है मित्र और पूज्य, ये आपका सेकेंड फर्स्ट पोएम में है। मित्र और पूज्य वो है जो भगवान श्री राम को फर्स्ट पोएम का पहला स्टैंजा आपका गजानन यानी श्री गणेश जी के बारे में वर्णन है। दूसरे में उन्होंने क्या वर्णन किया है? उन्होंने वर्णन किया है राम जी और सीता जी के बारे में। तो मित्र और पूज्य कौन है जो राम जी सीता मैया से प्यार करे, भगवान से प्यार करे, तो वो मित्र के योग्य है। तो अगर उसके दिल में भगवान श्री राम विराजते हैं तो वो पूज्य के योग्य है और मित्रता के योग्य है। जड़मसी कैसे बुद्धिमान हो सकता है? गोधूलि के बीच कृष्ण कैसे देख पड़ते हैं? लोभ का चश्मा आंख पर लगा लेने से मनुष्य कैसे अंधा हो जाता है? ये सारे पोएम के रिलेटेड क्वेश्चन से और ये 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बताती हूँ किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी डिटेल में ये 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इस चैनल पे, तो आपको सिर्फ ढूंढना है। और ये पहला पोइम का, ये दूसरा पोइम का, तो ये तीसरा, इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर भी उसी चैनल उसी वीडियोस में है, आपको ढूंढकर फाइंड आउट करना है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है, एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप वो क्वेश्चन आंसर आपके पास गाइड नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे नोट डाउन कीजिए। देन सेक्शन 2 में क्या आता है? देखिए किस तरह से आप हिंदी में, हिंदी बहुत आसान है और आप आसानी से बहुत स्कोर कर सकते हैं। ये 14 यहाँ पे हुआ, ये 6 मार्क आपने डाला अगर सही से लिखा, क्योंकि एक या दो वाक्य में उत्तर लिखना होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन 14 + 6 = 20 हो गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सेक्शन 2। भगवान गणपति से हाथ जोड़कर तुलसीदास कौन कौन से वर मांगते हैं? टॉल्स्टॉय फार्म के नियमों को समझाइए। उपयोगी कला में कितने व्यवसाय सम्मिलित हैं? तो ये भी 2 क्वेश्चंस ईच कैरी 2 मार्क्स, सो 4 मार्क्स ये भी आसानी से आ सकता है। देन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में होता क्या है? ग्रामर मिलकर रहते हैं। सूचना के अनुसार बदलिए। सो सम इंस्ट्रक्शन विल गिवन हियर, बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन यू हैव टू चेंज द सेंटेंस एंड रीराइट। राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है। तो यहाँ पर राम के बदले आपको सीता का प्रयोग करना है। तो राम है इसलिए रोटी खाता है। यहाँ पर अगर सीता हो गया, सीता एक स्त्रीलिंग है, तो सीता रोटी खाती है। संधि विच्छेद कीजिए।
एकैक, तो ये अगर विच्छेद होगा तो एक जमा एक। रामायण, रामायण को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या, राम जमा आयन। शुद्ध कीजिए अब टू करेक्ट सेंटेंस। लड़के ने गिर गया, कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला जाता है, यहाँ बोला जाता है लड़का गिर गया। ओके, रेखांकित का पद परिचय दीजिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंस शायद है वो माइट बी प्रिंटिंग मिस्टेक और समथिंग, इट इज नॉट विजिबल, लेकिन पद परिचय का मैंने पूरा वीडियो दे दिया है, उसी में से ही आएगा जितना आपका किताब में है। व्हाट एवर इट इज देयर इन योर बुक एंड बुक बैक क्वेश्चंस, ओनली दोस क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जाम, सो डोंट वरी दैट दे विल आस्क फ्रॉम द आउटसाइड और समथिंग। देन संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, हाल ही में मैंने डाला है संधि का वीडियो, आप लोगों ने देखा है, अगर किसी ने नहीं देखा दे तो फौरन आप संधि देखिए, क्योंकि संधि में होता क्या है, दो वर्णों के मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं। पहला वर्ण का, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम संधि कहते हैं, और उसके कितने भेद होते हैं, उसके तीन भेद होते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। 27 में है क्या, 27 में आपका रस का परिभाषा देते हुए रस का प्रकार बताइए। यहाँ पर आपको रस के बारे में लिखना है, रस क्या है, रस का डेफिनेशन आपको लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रस इज देयर, तो हाउ मेनी टाइप्स, नौ प्रकार होते हैं, रस के नौ भेद होते हैं, 9। देन रस की परिभाषा क्या है, रस का मतलब होता है आनंद, ये जो साहित्य और ये जो काव्य है जिसे पढ़कर एक अलौकिक आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं, और ये रस साहित्य काव्य की आत्मा होती है, और ये ना लौकिक होती है ना अलौकिक होती है। तो आप यू कैन राइट वन सेंटेंस, साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। सो रस मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी आई मेड, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू गो टू दैट प्लेलिस्ट रस एंड यू जस्ट चेक द पार्ट वन, देयर यू कैन फाइंड द डेफिनेशन ऑफ रस, रस की परिभाषा आपको मिल जाएगी। देन और रस किया, रस का ईद के दिन लोग, ये ईदगाह से क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है, ये स्टोरी से है, आपको स्टोरी से आपको देखना होगा, स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाला है यहाँ पर, so you go to that link and you just check those videos। सावित्री की किस बात पर, सावित्री को किस बात पर विश्वास था, ये भी स्टोरी में ही है। तो ये हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे आपको सॉलिड मार्क आएंगे, 14 + 4 = 18, तो यहाँ पे आपने स्कोर किया 20, ये हुआ 18, 38 हो गया। तो अभी आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, चंद मिटे सूरज मिटे जगत के नहीं, यह दृढ़ हरिचंद्र को मिटे न अविचल प्रेम। तो जैसे संदर्भ सहित व्याख्या होता है, आपको पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ में लिखना है ये काव्यांश कहाँ से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, और इसमें किस बारे में वर्णन किया गया है, तो व्याख्या में आपको एलाबरेट करके लिखना है। मनुष्य को अनुशासन में कैसे रखा जाता है, उमा की परीक्षा गोपाल प्रसाद कैसे ली, तो ये हो गया।
अगर इस सेक्शन में आए तो सेक्शन थ्री में ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसे जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 मार्क इजीली मिलते हैं। These are very lengthy. You have to write the question answers, but here only you have to write the Hindi शब्द, कैश कैश रुपया, रेडियो आकाशवाणी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, टेलीफोन दूरसंचार। तो आपको ऐसे ही अगर ये अटेंड करते हो टाइम भी बचता है, लेस टाइम इट विल टेक एंड आल्सो इट विल गिव यू सॉलिड 4 मार्क्स। देन किन्हीं प्रश्नों के उत्तर लीजिए, निम्नलिखित कथ्यांश का संक्षिप्तकरण कीजिए। संक्षिप्तकरण के ऊपर मैंने आपको बताया था एक वीडियो बनाकर एक उदाहरण के साथ, तो उसी रूल्स को फॉलो करना और इसे एक सुटेबल टाइटल दे देना तो हो जाएगा। ईदगाह कहानी के सारांश लिखिए, कमल और निर्मला क्या क्या करते थे। तो ओनली यू हैव टू राइट 2 क्वेश्चंस। तो इस तरह में भी अगर आप ये संक्षिप्तकरण लिखते हैं और संधि कर लेते हैं तो आपको इजी हो जाता है। देखिए संधि भगवत जमा दर्शन, तो आंसर क्या हुआ भगवत दर्शन। ने जमा अन नयन, भू जमा अन भवन, मनह जमा हर मनोहर, तो ये सॉलिड 4 मार्क्स आ गए। यहाँ पर भी मार्क आ गए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आसानी से मार्क आ सकते हैं। और ये संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, करुण रस या फिर वीर रस के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न लिखना है, तो ये अटेंड कीजिएगा, ग्रामर से सॉलिड मार्क्स आएंगे। फिर हिंदी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेशन भी अटेंड कीजिए, ये आपको अच्छे मार्क देंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस, या फिर ये जो आवेदन पत्र है अगर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो आप ये संदर्भ सहित व्याख्या पे जाइए। फिर पार्ट 4, ये जो लास्ट है ये सविस्तार आंसर्स है, दिस इज ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स इन डिटेल। सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इतना यहाँ पर स्कोर नहीं कर सकते हैं ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, आपको आपकी मेहनत यहाँ पे लगेगी। तो ये सारे आपको सारांश वगैरह या फिर कविता के सारांश, प्रोज के सारांश, या फिर ये जो दोहे होते हैं, बृंद के दोहे, बिहारी के दोहे, उनका कंठस्थ रूप मेमोरी पोएम्स होते हैं, उसे अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ पर अच्छे मार्क्स आते हैं। तो उसी हिसाब से देखकर मैंने आपको बताया कि कैसे आंसर्स लिखने में से आपका टाइम भी बचेगा, यू कैन सेव योर टाइम एज वेल एज यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। I hope children you understood, and this video will be very informative video, and very it will you will get a idea about the exam question papers. It will very much helpful, I think so. अगर आपको ये समझ में आता है, आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकता है, तो मेरे videos को like कीजिए। Thank you students, thank you so much.